वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। दोस्तों, चमत्कारी टोटके चैनल में हम आपको दिखाते हैं चमत्कारी टोटके, चमत्कारी उपाय, कुछ ऐसे असरदार उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की हर कठिनाई और परेशानी को दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चमत्कारी टोटके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महिलाओं की बिछिया से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्य। जी हाँ दोस्तों, भारत में महिलाओं की बिछिया से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। आइए जानते हैं कि ये वैज्ञानिक तथ्य कौन से हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों एवं जाति के लोगों का संगम है और इन सब धर्मों में अपने अपने तरह तरह के रीति रिवाज और परंपरा हैं। खास तौर पर हिंदू धर्म में इन परंपरा और रीति रिवाजों का खास स्थान है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई भी शुभ काम हो, कोई भी खास मौका हो या फिर खाना खाने का ढंग ही क्यों ना हो, सभी में रीति रिवाज ज़रूर होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सभी कामों से हमारी बॉडी को कितना फ़ायदा मिलता है? साथ ही साथ हमारे इन रिवाजों का हमारे दिमाग पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है। जब भी बात किसी महिला के 16 श्रृंगार की आती है तो हर जगह वो अलग ही होता है। अगर हम बात करें भारत की तो यहाँ महिलाओं का श्रृंगार अलग ही होता है। यहाँ महिलाएं अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं तो पैरों में बिछिया पहनती हैं। लेकिन इस श्रृंगार में पहने जाने वाली हर एक चीज़ का खास महत्व होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस श्रृंगार प्रयोग में की जाने वाली बिछिया के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर इसे पहनने के पीछे किस तरह के वैज्ञानिक तर्क हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, बिछिया मुसलमान और हिंदू दोनों ही धर्मों में पहना जाता है। वैसे ज़्यादातर महिलाएं तो इसे केवल शादी का प्रतीक मानती हैं, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बिछिया को पहनने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है? दोस्तों, बिछिया को पहनने के पीछे मुख्य संबंध यही माना जाता है कि इसका संबंध गर्भाशय से होता है। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार पैरों के अंगूठे की तरफ से दूसरी उंगली में एक विशेष नस होती है जो गर्भाशय से जुड़ी होती है। ये गर्भाशय को नियंत्रित करती है और रक्तचाप को संतुलित कर इसे स्वस्थ रखती है। बिछिया के दबाव से रक्तचाप नियमित और नियंत्रित रहता है और गर्भाशय तक सही मात्रा में पहुंचती रहती है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जब हम बिछिया पहनते हैं तो उसके दबाव के कारण ही हमारा रक्तचाप नियंत्रित रहता है और नियमित रहता है। साथ ही रक्त को हमारे गर्भाशय तक उचित मात्रा में पहुंचाने में भी मदद करती है। इसके साथ ही इन सब की मदद से तनाव भी कम होता है, जिसके कारण महिलाओं का मासिक चक्र भी नियमित रूप से आता रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बिछिया को पहनने का एक और फायदा भी है। ये बिछिया गर्भधारण में भी महिलाओं की मदद करता है। अगर बात करें शास्त्रों की तो उनके अनुसार अगर महिलाएं दोनों पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनती हैं तो उनका मासिक चक्र सही तरह से काम करता है, और अगर मासिक चक्र सही से काम करेगा तो उन्हें गर्भधारण में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए उन्हें चांदी की ही बिछिया पहननी होगी, क्योंकि चांदी को विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धरती से सभी प्रकार की ध्रुवीय ऊर्जा को खींचकर हमारे पूरे शरीर में पहुंचाती है बिछिया, और जिसके कारण महिलाएं ताजगी का अनुभव करती हैं। तो दोस्तों, ये था बिछिया पहनने का वैज्ञानिक तर्क। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी राय या सुझाव हमें लिखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर हमें भेजें। अगर आप इसी तरह की कोई और जानकारी पाना चाहते हैं तो दोस्तों, वो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। इसी तरह के चमत्कारी उपाय और टोटके जानने के लिए देखते रहिए चमत्कारी टोटके।